हाय हेलो वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ट्रेलर रिव्यूज एंड रिएक्शन में। और आज जिस मूवी के ट्रेलर के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बाला, जिसके स्टार कास्ट में आयुष्मान खुराना, भूमि पेडनेकर एंड यामी गौतम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेलर का रिव्यू एंड देखते हैं क्या होने वाला है रिएक्शन, और चेक करेंगे एक्साइटमेंट मीटर पर किस तरह से रहता है इस ट्रेलर का रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट गाइस उससे पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे प्रमुख अखबारों के मैट्रिमोनियल एड्स, पढ़ाई लिखाई जाति प्रजाति सब बाद में, सिर्फ गोरी लड़की चाहिए, इन शॉर्ट जो गोरा है वो सुंदर है। आप ये टोपी पहन के काहे बात कर रहे हैं? हमारी टोपी हमारी मर्जी। धूप लग रही है क्या? हटाओ टोपी। किसी और को दिक्कत नहीं, आपको काहे हो रही है? नहीं हटाएंगे हम। शर्मा काहे रहे हो, हटाओ। नाम बाला लहराते बालों की वजह से रखा था। बच्चन भैया हम स्कूल में हीरो थे, हीरो। अमिताभ बच्चन अवतार गिल के रोल में कैसे जी सकता है? जॉब में डिमोट हो जाते हैं, मिमिक्री में फ्लॉप हो जाते हैं, बचपन की गर्लफ्रेंड छोड़ के चले जाती है, सुंदर लड़की से बात करते फटती है हमारी, लगता है धसेगी हम पे देख के। हेयर लॉस नहीं आइडेंटिटी लॉस हो रहा हमारा। मम्मी इसको कहते हैं थेगला। नहीं चाहिए हमें थेगला। का है? हस्त मैथुन और सेक्स में फर्क होता है बे। ये हस्त मैथुन है, हमें बाल उगाने अपने असली के। उगा देंगे। लगे रहो। भैंस का गोबर और सांड का वीर्य मिला के अपने सर पर लगा लेना। तुझे हूर जैसी परी मिलेगी। हमने नहीं करनी शादी वादी। जितने विकेट विकेट बचे हैं ना, इनके रहते अपनी इनिंग बचा लो। आज तुम्हारे पापा तुम्हें बाल गिफ्ट कर रहे हैं बेटा। बाला नाम तो सुना होगा। नहीं सुना। तो फिर आज एक जिंदगी और जी लो, एक नाम और जान लो, क्या पता कल हो ना हो। मैं लगता है तुम एक फिल्म हो, पर मैं डर लगता है कि एक दिन अचानक इस फिल्म का दी एंड हो जाएगा। हम कोई फिल्म नहीं है बेबी, हम तो एकता कपूर का सीरियल है। आज खुशी का दिन है, आया बिल्कुल लल्लंटा। इमोशन इमोशन। सोडा पानी नींबू के साथ क्या पिएंगे? इतने बड़े चूतिया को इतनी सुंदर लड़की दिल दे दीस। तुम बताए तो दिए हो ना उसको। हमने फैसला कर लिया, प्रतिरोपण करवाएंगे। अरे उससे अच्छा तो तुम्हारा यही टापू है भैया, जो सर में लगा घूमते हो पूरा दिन। टाइम जाएगा। अरे मैं क्या हो गया तो इंसान, तेरी शादी हिट या फ्लॉप। एयर ट्रांसप्लांट के लिए तुम्हारे छाती हाथ और दाढ़ी के बाल बहुत कम है, बस एक ही जगह है। छांट के बाल सर पे लगाने को बोल रहा है आदमी, हम नहीं करवाएंगे। तो गाइस ये था बाला मूवी का ट्रेलर, जो कि काफी हिलेरियस लग रहा है और काफी ऑसम ट्रेलर है। हाँ एक बात जरूर कह सकता हूँ कि अगर इस मूवी के ट्रेलर को आप टीवी पर देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि इसमें जो शुद्ध श्लोक, अच्छे अच्छे शब्दों का जो यूज आपको YouTube पर देखने को मिलेगा, वो आपको टीवी पर ट्रेलर आप जब देखेंगे तब नहीं दिखाई देगा, आपको बड़ा साफ सुथरा दिखाई देगा वो ट्रेलर। अब ये क्यों होता है कि टीवी पर कुछ और दिखाया जाता है और YouTube पर खुल्लम खुल्ला दिखाया जाता है सब कुछ, कोई सेंसर बोर्ड नहीं होता YouTube पर। तो आप इस मूवी के ट्रेलर का मजा लेने जाते हैं तो प्लीज YouTube पर ही देखिए। अब बात करते हैं कि किस तरह की मूवी होने वाली है। मूवी होने वाली है कि आयुष्मान खुराना एक डेस्परेट यंग लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जिसके सर पर बाल नहीं है, जिसकी वजह से उसे कभी कोई लड़की नहीं मिलती। जी हाँ, हर जगह से उसको बेइज्जती ही करवानी पड़ती है और इस डिस्प्रेशन के चक्कर में वो अपने सर पर बाल उगाने के लिए सब कुछ करता है, जिस तरह से डायलॉग में दिखाया गया है कि भैंस का गोबर, गाय की टट्टी और सांड का पता नहीं एक्स वाई जेड जो भी लगाना उस सर पे मिला के लगाओ तो बाल उग जाएंगे, वो सारी चीजें यूज करता है। बट उसके सर पर बाल नहीं आते। लास्ट में उसको
उसके पिताजी एक विग गिफ्ट करते हैं जिसको वो लगा के अपनी पर्सनैलिटी को सुधार लेता है और यामी गौतम को पटाकर उससे शादी कर लेता है। अब आगे की स्टोरी क्या होगी? आगे की स्टोरी ये होगी कि यामी गौतम को शादी के बाद पता चलता है कि उसके हस्बैंड के सर पर बाल नहीं है, जो कि बताती है भूमि पेडनेकर। तो इन्हीं तीन कैरेक्टर के इर्द गिर्द ये मूवी घूमने वाली है। सपोर्टिंग कास्ट में जावेद जाफरी का रोल देखने लायक होगा क्योंकि वो हर मूवी में छोटा सा रोल करते हैं बट बड़ा ही दमदार रोल और फनी रोल होता है उनका। अब देखते हैं कि मूवी किस तरह की होगी और किस तरह की ऑडियंस इसको देखने वाली है। क्या सभी लोग जाएंगे देखने? क्या सभी फैमिली के मेंबर देखने जाएंगे एक साथ? मेरा मतलब मम्मी पापा और उनके छोटे छोटे बच्चे लड़कियां सब एक साथ जाएंगे, या फिर सभी फैमिली वाले देखेंगे बट अलग अलग जा कर, क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर में डायलॉग दिखाई दे रहे हैं। तो गाइस, ये था मेरा बाला मूवी के ट्रेलर पर रिव्यू एंड रिएक्शन। एक्साइटमेंट मीटर पर आप चेक कर सकते हैं कि बाला मूवी का ट्रेलर कितना एक्साइट करने वाला है आपको। तो गाइस, आपको कैसा लगा ये ट्रेलर प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस चैनल को। मिलेंगे अगले किसी मूवी के ट्रेलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।